Hey guys, welcome back to my channel. This is Anand and you're watching Physics Craze. So as I promised, जो कि आज मैं एक नया वीडियो ड्रॉप करने वाला हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना जो पिछले पेंडिंग टॉपिक से पहले उन्हें कवर किया जाए. एंड हाई पास फिल्टर इज़ वन ऑफ देम, बिकॉज इसके बेस पे बहुत आसान क्वेश्चन आ जाता है एक दो मार्क्स का. नाउ अगर आप लोग को हाई पास फिल्टर के पहले लो पास फिल्टर पढ़ना है, तो यहाँ पर मैं आई लिंक पे वीडियो का लिंक दे दूंगा इस आई बटन पे. उस पर जाके आप लोग पहले उस लो पास फिल्टर को प्लीज़ देख लेना या इस वीडियो के बाद देख लेना. बट मेक श्योर कि आप हाई पास फिल्टर लो पास फिल्टर दोनों के कॉन्सेप्ट्स को इजीली कवर कर लें, बिकॉज इसके बेस पे बहुत इजी क्वेश्चन आ जाता है. इट्स नॉट कंपलसरी कि आएगा ही आएगा, बट या एनालॉग में वो चीज़ आना मोस्ट पॉसिबल है कि उसके बेस पे क्वेश्चन दे देते हैं. सो इन दिस वीडियो विल गोना फर्स्ट कवर व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ हाई पास फिल्टर, हाउ द सर्किट लुक्स लाइक एंड हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव हाई पास फिल्टर. एंड एट द एंड वील गोना टैकल अ क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड इन जैम. सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो लेक्चर की शुरुआत ही करते हैं डेफिनेशन से. वॉट इज मीन बाई हाई पास फिल्टर? द वर्ड इटसेल्फ सी, फिल्टर मीन्स वॉट? वी यूज़ अ सर्किट जो इनपुट फ्रिक्वेंसीज को फिल्टर कर दे. फॉर एग्जाम्पल, लो पास फिल्टर क्या होता था कि वो लो फ्रिक्वेंसीज़ को पास होने देता था, हाई फ्रिक्वेंसीज़ को बैन कर देता था. सिमिलरली हाई पास फिल्टर क्या कर रहा है, लो फ्रिक्वेंसीज़ को बैन कर देगा और हाई फ्रिक्वेंसीज़ को पास होने देगा जो भी हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं. वो इनपुट सिग्नल किसी भी टाइप का हो सकता है, वो वोल्टेज सिग्नल हो सकता है, करंट सिग्नल हो सकता है, या कोई ऑडियो सिग्नल हो सकता है, एनी काइंड ऑफ सिग्नल, रेडियो सिग्नल हो सकता है. सो इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ RNC कंपोनेंट. बेसिकली हम जब भी फिल्टर्स की बात करते हैं, तो देयर वी ऑलवेज यूज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर्स. सो विच फिल्टर्स आउट लो फ्रिक्वेंसी इनपुट फ्रॉम द सर्किट एंड अलाउज ओनली सर्टेन हाई फ्रिक्वेंसी. सर्टेन हाई फ्रिक्वेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स इट डू नॉट अलाउ एवरी हाई फ्रिक्वेंसीज. वॉट इज़ द मिनिमम वैल्यू? सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी विच द सर्किट विल अलाउ इज कॉल्ड एज कट ऑफ फ्रिक्वेंसी. हाउ डू वी कैलकुलेट दिस, विल गोना सी इन अ मिनट. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज पॉइंट्स आर देर आर टू टाइप्स ऑफ हाई पास फिल्टर एज वी नो, एक्टिव एंड पैसिव. CR कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज ऑल्सो नेम्ड एज 3 decibel फ्रिक्वेंसी. समटाइम इन क्वेश्चन इट इज़ आस्क की कैलकुलेट द 3 decibel फ्रिक्वेंसी. सो इट डोंट वरी, इट इज़ जस्ट आस्क टू कैलकुलेट द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी. नाउ लेट्स मूव अहेड विद द बेसिक सर्किट ऑफ पैसिव हाई पास फिल्टर. सो हियर वी हैव इनपुट. सो लेट जस्ट ड्रॉ द एसेंशियल थिंग्स. हियर आई एम राइटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एंड डोंट फॉरगेट द इनपुट सिग्नल शुड बी साइनोसॉइडल सिग्नल बिकॉज वी आर यूजिंग अ कैपेसिटर. एंड हियर आउटपुट विल ऑल्सो बी सेम. लेट से पॉजिटिव नेगेटिव, वी डोंट नो वॉट विल बी द फेज डिफरेंस एंड वॉट. जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटपुट पे दे रहे हैं. सी इसे टैकल करने के दो तरीके हैं, बट जैसे मैंने अपने लेक्चर्स में बता रखा है कि वी विल गोना यूज़ द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपेसिटर. सो वी विल गोना रिप्लेस द कैपेसिटर बाय 1/CS, वेयर S इज़ नथिंग बट S इज़ आयोटा ओमेगा. वॉट इज़ ओमेगा? ओमेगा इज़ द एंगुलर फ्रिक्वेंसी विच इज़ 2πf. नाउ वॉट इज़ F? F इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस इनपुट सिग्नल. सो द कैपेसिटर कैन बी रिप्लेस बाय 1/CS. तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस कैपेसिटर को रिमूव कर सकते हैं. नॉट एक्चुअली, बट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन हमने यहाँ पे कैपेसिटर को रिप्लेस करके 1/CS कर दिया है. एंड दिस इज़ व्हाट आर न्यू रेजिस्टेंस. सो हियर वी हैव 2 resistance, 1 input and 1 output. सो यूजिंग वेरी सिंपल, यूजिंग वोल्टेज डिविजन रूल. Using voltage division rule, we can write the output value of voltage will be nothing but input voltage into resistance divided by resistance plus the another resistance, which is 1/CS. So it will become V input into RCS divided by 1+RCS. So here we'll get V output divided by V input equals to RCS divided by 1+RCS. This will be or we can say transfer characteristic. It is also represented by T iota omega. Okay, this transfer characteristic is very important for any kind of circuit, especially for the filter circuit. क्योंकि यहाँ से transfer circuit से ही हमें पता चलेगा कि what will be the phase difference between output and input, and इसके gain क्या होगा, इसका gain के बाद हाउ डू वी कैलकुलेट द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी. ये सारी चीज़ें हम लोग इस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक से ही फाइंड आउट करेंगे.
So let's do a little bit analysis of this output transfer characteristic that we got. Since we know the transfer characteristics in terms of S is we have already found it RCS over 1 plus RCS. Now is S ka value mein iota omega yahan pe put kar de raha hu, so it will become 0 plus iota RC omega because it is now a complex number. Okay, that's why I'm writing here 0 plus, and here we're gonna have 1 plus iota RC omega. Now if we take the magnitude of this, here we know on the numerator we only have the RC omega iota, so it will become only RC omega, and in the denominator we're gonna have under root of 1 plus RC omega whole square. Now let's discuss case number 1. Case number 1, here we are considering omega equals to 0. What does it mean? Omega equals to 0 means now the input frequency is 0. What does it mean? It means we are using DC signal, simple. It is very basic. कि अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है इनपुट सिग्नल की तो एक डीसी सिग्नल होगा. सो हियर ओमेगा की जगह पे आप जीरो पुट कर दो, हियर पुट जीरो, हियर आल्सो पुट जीरो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर. सो हियर विल गेट जीरो डिवाइड बाय वन विच इज़ नथिंग बट जीरो. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि वी आर हैविंग जीरो गेन. यहाँ हमें गेन कितना मिल रहा है? जीरो. द मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इज नथिंग बट द गेन. इसका मतलब हमें कोई गेन मिल नहीं रहा है आउटपुट में. सिंपली आप इससे ये भी बता सकते हो कि हमारा जो फेज डिफरेंस है वो भी जीरो होगा. फेज डिफरेंस भी कितना होगा? जीरो होगा. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग एंड में करने वाले हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट केस नंबर 2. केस नंबर 2, ओमेगा इज इन्फिनिटी, इट मीन्स द फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई. इनपुट फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई. मैथमेटिकली वी डिनोटेड एज ओमेगा टेंडिंग टू इन्फिनिटी. इट इज नॉट इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी. सो यूजिंग दिस वॉट वी कैन डू, आप आर सी ओमेगा से इसको डिवाइड करोगे. सो हियर यू विल गेट मैग्नीट्यूड ऑफ आई ओमेगा इज नथिंग बट रूट ओवर 1 प्लस 1 ओवर आर सी ओमेगा होल स्क्वायर. सी सो दिस विल बिकम जीरो, दिस टर्म विल बिकम जीरो, सो विल गोना हैव 1 ओवर 1 विच इज नथिंग बट ओनली 1. सो यहाँ पे गेन कितना हो गया आपको? गेन मिल गया 1. सिमिलरली जो केस 3 है वो बहुत ही स्पेशल केस है. यहाँ पे मैंने ओमेगा का वैल्यू 1 ओवर आर सी ले रखा है. नाउ व्हेन यू पुट 1 ओवर आर सी इन दिस इक्वेशन, जब आप इस इक्वेशन में 1 ओवर आर सी पुट करोगे, यू विल गोना सी कि आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स वो आ रहा है 1 ओवर रूट 2, विच इज वी कैन से 1 ओवर रूट 2 टाइम्स ऑफ 1. इट मीन्स वॉट? सबसे हाइएस्ट जो गेन है, हाइएस्ट गेन है वो 1 है. यहाँ पे देखो हाइएस्ट गेन 1 है क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रिक्वेंसी वेरी हाई कंसिडर कर ली है, नियर अबाउट इन्फिनिटी के. सो अब इससे ज़्यादा गेन वो सर्किट नहीं दे सकता. तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू 1 ओवर आर सी एक ऐसा फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे हम लोगों को जो गेन मिलेगा वो हाईएस्ट वैल्यू का 1 ओवर रूट 2 टाइम्स मिलेगा. एंड दिस इज व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन. इसी फ्रीक्वेंसी को, इसी ओमेगा इक्वल्स टू 1 ओवर आर सी फ्रीक्वेंसी को व्हाट वी से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. एक्चुअली ये फ्रीक्वेंसी नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आई है. हियर यू कैन पुट ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, सो यू विल गेट एफ H, which is the highest cutoff frequency, is 1 over 2 pi RC. So in high pass filter, if you want to find the cutoff frequency, आपको directly ये formula use करना है, nothing else. 2 pi RC, that's it. Now let's move ahead. Okay, first let's move ahead with the graph. So what we have found, कि at omega equals to 1 over RC, it is the cutoff frequency of the circuit. And the highest we can say value or magnitude of the gain is 1. For ideal high pass filter, what we can say ki the ideal high pass filter bans the low frequencies. Yahan pe dekho frequency 0 se start ho rahi hai aur increase ho rahi hai, to low frequency ko wo kya kar deta hai? Ban kar deta hai. To yahan pe main bol sakta hu this is low frequency region and this is high frequency region. तो आइडियली क्या होगा कि आपका जो हाई पास फिल्टर होगा वो लो फ्रिक्वेंसीज के लिए गेन ज़ीरो देगा. कितना देगा? गेन ज़ीरो. और जैसे ही ये 1 ओवर आर सी क्रॉस होगा उसके बाद इसका गेन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. लाइक दिस, दिस इज़ फॉर आइडियल, दिस इज़ फॉर आइडियल हाई पास फिल्टर सर्किट. बट जनरली हमारा कोई भी डे टू डे लाइफ में कोई भी सर्किट आइडियल नहीं होता. तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 ओवर आर सी पे, 1 ओवर आर सी इस फ्रिक्वेंसी पे वी आर गेटिंग 1 ओवर रूट 2 टाइम्स ऑफ दी हाइएस्ट गेन. तो यहाँ पे लेट्स से दिस पॉइंट इज 1 ओवर रूट 2 टाइम्स ऑफ दी हाइएस्ट गेन. सो यहाँ पे जो आपका ग्राफ बनेगा फॉर दिस रियल वी कैन से हाई पास फिल्टर डे टू डे लाइफ जो सर्किट होगा उसके लिए जो गेन बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा. नाउ इट विल बी नॉट ग्रेटर दैन 1, इट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 1.
this is a little bit incorrect, it should be only one. So we can easily say कि this blue line is representing, we can say lab में जो हम लोग high pass filter use करेंगे, lab high pass filter circuit in our day to day life. Okay, so यहाँ पर आप देख सकते हो कि less than 1/r RC frequency का जो gain है वो बहुत कम है, कम है, कम है. जैसे ही 1/r RC होगा gain noticeable होगा and after that gain increase होकर finally 1 हो जाएगा for very high frequencies. Now till now we have discussed everything in terms of omega. अब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं एफ में, यानी फ्रीक्वेंसी, बिकॉज वी नो दैट ओमेगा इज नथिंग बट 2πf. जब हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस एफ, नॉट ओमेगा. सो लेट्स डिस्कस. एज वी नो इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, द कैरेक्टरिस्टिक्स मैग्नीट्यूड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन वॉज नथिंग बट आर सी ओमेगा डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस आर सी ओमेगा होल स्क्वायर. नाउ लेट्स डिवाइड इट. सो वील गेट root of 1 plus RC omega whole square divided by RC omega. Now let's take this RC omega inside of the square root. We'll get, just a second, we'll get magnitude of T I omega is nothing but 1 over root of 1 plus 1 over RC omega whole square. Now this is very easy. Now put the value of omega, which is equal to 2 pi f. Here we'll get omega T in terms of f. Now T in terms of F, magnitude of T is nothing but 1 over root of, sorry, root of 1 plus 1 over omega is 2 pi F, so we will get 2 pi F RC whole square. Now we have discussed here that this 1 over 2 pi RC is nothing but the cutoff frequency for high pass filter. So we can replace here, we can replace 1 over 2 pi RC, just 2 pi RC with FH, which is the cutoff frequency for high pass filter. So here we can write the magnitude of transfer characteristics in terms of frequency F is nothing but 1 over root of 1 plus FH over F ka whole square. This will be the magnitude of transfer characteristics in terms of F. So now either you can use the formula of omega or this one, both are the same formulas. Now let's move ahead. Till now we are talking about passive high pass filter. Now let's talk about active high pass filter. The difference between passive and active is very easy. For any case of like कोई भी type का filter या कोई भी circuit पढ़ो, अगर उसके आगे active word add हो रहा है, इसका मतलब it is increasing the gain. अभी तक हम लोग ने देखा low pass filter के लिए जो maximum gain था, T max is nothing but 1. But यहाँ पर हम देखेंगे कि after solving this op amp circuit, हमारा जो gain है वो 1 से ज़्यादा हो जाएगा. सो हियर दिस इज़ द बेसिक सर्किट ऑफ एक्टिव हाई पास फिल्टर, जहाँ पे हियर वी यूज़ जस्ट अ सेकेंड वी इनपुट हियर वी हैव यूज द कैपेसिटर एज यूजुअल बिफोर द रेजिस्टेंस एंड हियर वी हैव यूज टू मोर रेजिस्टेंस R1 एंड R2. अगर ये डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वी कैन ऑल्सो ड्रॉ इट लाइक दिस, बहुत ही ईजी तरीके से. सी नाउ द सर्किट विल लुक्स ईजी कम्पेयर टू द प्रीवियस वन. सो यहाँ पे देखो बहुत ईजी है, जो पोटेंशियल यहाँ क्रिएट होगा इस आर के अराउंड लेट से वी, वही पोटेंशियल यूजिंग द VGC, बिकॉज हियर वी आर हैविंग नेगेटिव फीडबैक. यहाँ पे हम लोग के पास क्या आ रहा है, नेगेटिव फीडबैक आ रहा है एंड वी नो वेन एवर वी हैव नेगेटिव फीडबैक हम लोग VGC यूज़ कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू VGC जो पोटेंशियल यहाँ जनरेट होगा सेम पोटेंशियल यहाँ जनरेट होगा. तो अगर पोटेंशियल यहाँ जनरेट हो रहा है, यही पोटेंशियल कैरी आउट यहाँ पर हो जाएगा वी. तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग नोडल एनालिसिस यूज़ करके इस वी आउटपुट को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले वी फाइंड आउट कर लेते हैं, वी क्या होगा. सी, जो भी करंट होगा वो कैपेसिटर से रेजिस्टेंस में चला जाएगा. डोंट फॉरगेट यहाँ पे भी वी आर यूजिंग साइनसोडल केस, ओके, वरना ये कैपेसिटर काम ही नहीं करेगा. तो यहाँ पे देखो कोई भी करंट ओपैम्प के अंदर नहीं जाता, करंट इनसाइड द ओपैम्प इज जीरो. तो जो भी करंट है वो कैपेसिटर से रेजिस्टेंस में जाएगा, तो इट इज़ मेकिंग अ सीरीज. सो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजिंग वोल्टेज डिविजन रूल अगेन वी कैन फाइंड दिस वोल्टेज इज नथिंग बट वी इनपुट इन टू आर डिवाइड बाय, अगेन लैपलास ट्रांसफॉर्म यूज़ करो तो आप लोग को सी एस की जगह पर क्या मिल जाएगा, 1/CS. दिस इज नथिंग बट वी इनपुट आर सी एस डिवाइड बाय 1+RCS. लेट इट बी हीयर. अब इसी वी के वैल्यू को हमें यहाँ यूज़ करना है हीयर. तो यहाँ पर देखो आप लोग ये यूज़ कर सकते हो, नोडल एनालिसिस यूज़ कर सकते हो. इस पॉइंट पर ये नोड है, तो यहाँ से ज़ीरो और यहाँ से वी आउटपुट. Here also this potential is also the output.
सो अगेन यूजिंग नोडल एनालिसिस आप बोल सकते हैं यहाँ पे v माइनस जीरो डिवाइड बाई आर टू प्लस v माइनस वी नॉट डिवाइड बाई आर वन। अगर आपको कोई ये नहीं पता है कि कैसे यूज़ कर रहा हूँ तो प्लीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लेलिस्ट में जाना और उसके लेक्चर अटेंड करना, तो ये समझ में आ जाएगा कि नोडल एनालिसिस हमने कैसे किया है। सी यहाँ पे इफ यू जस्ट राइट इट लाइक दिस, v ओवर आर टू नाउ प्लस वन ओवर आर वन इज इक्वल्स टू v आउटपुट डिवाइड बाई आर वन। सो इफ वी जस्ट मल्टीप्लाइड, एम आई करेक्ट, आर टू इज दिस, ओ मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे आर टू और यहाँ पे आर वन आएगा, जस्ट सेकेंड। तो यहाँ पे थोड़ा सा बस गेम चेंज हो जाएगा, दिस विल बी आर वन एंड दिस विल बी आर टू। सो अगेन हियर ऑल्सो ये तो सेम रहेगा, कोई बात नहीं, वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू, और ये वी नॉट पे कितना आएगा, वी आउटपुट पे आ जाएगा आर टू। सो वी आउटपुट विल बी हाउ मच, आउटपुट इज नथिंग बट वी इंटू वन प्लस आर टू ओवर आर वन, यस। एंड वी का क्या वैल्यू है, वी तो ये है ना, यहाँ पे पुट कर दो तो हम लोग को वी आउटपुट कितना मिल जाएगा, वी आउटपुट हम लोग को मिल जाएगा, लेट मी राइट इन ब्लू पेन, वी आउटपुट इज नथिंग बट वी इनपुट इंटू आर सी एस ओवर वन प्लस आर सी एस इंटू वन प्लस आर टू ओवर आर वन। अब इस वी इनपुट को यहाँ पे ले लो लेफ्ट हैंड साइड में, सो हियर विल गेट वी आउटपुट डिवाइड बाय वी इनपुट विच इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू दिस मच। सी अब इसका बस आपको मैग्नीट्यूड लेना है, तो यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफर सर कैरेक्टरिस्टिक्स आए इक्वेशन वो प्रीवियस वाले के जैसा ही है, बट इसमें एक एडिशनल टर्म और आ गया है, वो ये गया वन प्लस आर टू ओवर आर वन। सी यहाँ पे आर टू का वैल्यू आर वन से छोटा रहे या बड़ा रहे, चाहे कुछ भी हो, जो गेन होगा वो हमेशा वन प्लस यानी वन से ज़्यादा ही होने वाला है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज एक्टिव हाई पास फिल्टर। ये अभी वही करेगा, देखो आर सी एस ओवर वन प्लस आर सी एस है ना, ये अभी भी ये सर्किट लो फ्रिक्वेंसीज को ब्लॉक करेगा और हाई फ्रिक्वेंसीज को पास करेगा। बट अब पहले जो हम यहाँ पे ग्राफ में पढ़ रहे थे कि जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड था वन था गेन का, अब वो वन से ज़्यादा हो जाएगा, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज एक्टिव हाई पास फिल्टर। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड इन जैम वंस। अब ये कौन सी ईयर का मुझे याद नहीं है, बट सी इट इज़ वेरी इजी। यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, फेज डिफरेंस। तो मैं यहाँ पे आपको टेक्निक बताता हूँ कि फेज डिफरेंस निकालते कैसे हैं। सो ऑलवेज टू फाइंड द फेज डिफरेंस दिस टी आयोटा ओमेगा मैग्नीट्यूड जो भी आप निकालोगे मैग्नीट्यूड रहने दो। आंसर कैरेक्टरिस्टिक इज नथिंग बट वी आउटपुट ओवर वी इनपुट। तो आपको बेसिकली इसका बस रेशियो निकालना है, वी आउटपुट वी इनपुट। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं पहले केस में, ठीक है, पहले केस पे देखते हैं कि इन केस वन हमारा जो आप यहाँ पे देखो जो करंट है वो ऐसे फ्लो होगा क्योंकि साइनसोडल है, तो यहाँ पे जो कैपेसिटर से वो सीरीज़ में है, तो आप या तो कैपेसिटर इन सीरीज़ वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, या तो लैपलास जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, ये वन ओवर सी एस हो जाएगा, ये भी वन ओवर सी एस हो जाएगा। ओके सो हियर विल गेट वी आउटपुट विच इज़ वी ओ इज़ वी इनपुट इंटू वन ओवर सी एस डिवाइड बाय टू ओवर सी एस, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएगा, तो दिस सी एस सी एस विल गेट कैंसल, विल गेट वी आउटपुट डिवाइड बाई वी इनपुट इज इक्वल्स टू हाफ विच इज़ मैग्नीट्यूड। तो अगर आप लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते भी हो टी आई ओमेगा इज हाफ विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज वन प्लस जीरो आयोटा एंड टू प्लस जीरो आयोटा। नाउ हाउ टू फाइंड द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस डेल्टा इज नथिंग बट यहाँ पे देखो न्यूमिनेटर में भी आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और डिनोमिनेटर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको करना क्या है, टेन इनवर्स फाई वन ओवर एक्स वन माइनस टेन इनवर्स वाई टू ओवर एक्स टू का मैग्नीट्यूड। ये होता है आपके फेज डिफरेंस का फॉर्मूला जब भी आपके पास आउटपुट इनपुट हो। तो यहाँ पे वाई वन एक्स वन क्या है, दिस इज वाई वन दिस इज एक्स वन न्यूमिनेटर, तो वैसे ही दिस इज वाई टू एंड दिस इज एक्स टू। सो हियर वी कैन सी द डेल्टा इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ टेन इनवर्स जीरो माइनस टेन इनवर्स जीरो विच इज इक्वल्स टू जीरो। What does it mean? It means कि for the first circuit जो output और input होगा वो उनके बीच में phase difference कुछ नहीं होगा। It means what कि अगर मेरा input ऐसा है sinusoidal है तो मेरा output भी as it is ऐसा ही होगा, इनके बीच में कोई phase difference नहीं है। Now let's talk about the second. Second में हम लोग को थोड़े cases check करने पड़ेंगे, but yeah it's very easy. Similarly इसको 1 over cs कर दूँ तो v output कितना हो जाएगा, v output हो जाएगा v input into 1 over cs divided by आर प्लस वन ओवर सी एस, सो इट विल नथिंग बट वी इनपुट डिवाइड बाई वन प्लस आर सी एस।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड नहीं आया, यहाँ पे हम लोगों के पास एस आया है, तो एस की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, वी कैन राइट हियर आयोटा ज़ीरो एंड हियर वी कैन राइट वन प्लस आयोटा आर सी ओमेगा। यस, सो यहाँ पे जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा वो हम लोग को मिल चुका है, इट्स इज नथिंग बट वन प्लस ज़ीरो आयोटा एंड वन प्लस आयोटा आर सी ओमेगा। सो अगेन टू फाइंड द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ टैन इनवर्स ज़ीरो, बिकॉज यहाँ पे वाई वन ज़ीरो एंड माइनस टैन इनवर्स ऑफ आर सी ओमेगा डिवाइड बाई वन। यहाँ पे देखो टैन इनवर्स ज़ीरो इज़ ज़ीरो, बट ये सेकेंड टर्म ज़ीरो नहीं है, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो यहाँ पे विल गोना हैव डेल्टा इज इक्वल टू, विच इज़ द फेज डिफरेंस इज नथिंग बट टैन इनवर्स आर सी ओमेगा का मैग्नीट्यूड। नाउ इस केस में डेल्टा का जो वैल्यू है आर सी ओमेगा यानी ओमेगा के ऊपर डिपेंड करता है कि जो इनपुट फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। नाउ लेट अस डिस्कस कि किस फ्रीक्वेंसी पे क्या क्या वैल्यू हम लोग को मिल रहा है। सो हियर वी आर हैविंग डेल्टा इक्वल्स टू टैन इनवर्स आर सी ओमेगा। तो नाउ लेट से केस वन, अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी ज़ीरो हुई, ओमेगा इक्वल्स टू ज़ीरो हुआ, तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा इज अगेन इक्वल्स टू ज़ीरो, बिकॉज इधर ओमेगा ज़ीरो हो गया तो टैन इनवर्स ज़ीरो इज़ ज़ीरो। इनपुट और आउटपुट के फेज डिफरेंस में, फेज में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, इट विल बी ओनली ज़ीरो। नेक्स्ट केस देखते हैं, अनदर केस, अगर ओमेगा इन्फिनिटी पर चला गया, सो यहाँ पे जो डेल्टा है वो कितना हो जाएगा, टैन इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, एंड यू नो दैट टैन इनवर्स इन्फिनिटी इट मीन्स डेल्टा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, टैन नाइन्टी पे ही वो इन्फिनिटी को टच करता है। तो यहाँ पे मिनिमम फेज डिफरेंस ज़ीरो होगा और मैक्सिमम फेज डिफरेंस फाइव बाई टू होगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को पता चलता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकती है, या तो ज़ीरो होगी या तो इन्फिनिटी होगी। सिंस इन क्वेश्चन में देखो डायग्राम में साइनसोइडल वेव दिया हुआ है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो हो ही नहीं सकती। तो व्हाट डज इट मीन कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इन्फिनिटी या इन्फिनिटी से पहले कुछ ना कुछ होगी। इट मीन्स व्हाट, जो फेज डिफरेंस होगा वो ज़ीरो से बड़ा होगा और पाई बाई टू भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू फिक्स नहीं है। तो इट मीन्स व्हाट, फॉर द फर्स्ट केस जो फेज डिफरेंस है वो तो ज़ीरो है 100%, बट फॉर द सेकेंड केस जो फ्रीक्वेंसी होने वाली, सॉरी जो फेज डिफरेंस होने वाला है वो ज़ीरो से ग्रेटर दैन और पाई बाई टू के लेस दैन इक्वल्स टू हो सकता है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप सो गाइज, आप लोग को समझ में आया होगा। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बिकॉज इसके हर एक पॉइंट को समझाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सो इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो, सो दैट मैं आप लोग को उसके बारे में रिजोल्यूशन दे सकूँ और अपने अगले वीडियो में उस चीज़ को और क्लेरिफाई कर सकूँ। सो वी गोना स्टार्ट आफ्टर दिस क्वांटम ऑल्सो, क्वांटम के भी कुछ टॉपिक्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, उसके भी वीडियोज आते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वन गाइज, टिल देन बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।